हाँ बोलो आबिद। मेरा कहाँ हो तुम यार? आ रही हूँ, रास्ते में हूँ अभी। जैनब की वजह से लेट हो गई, क्यों क्या हुआ? चलो ठीक है, और नानी माँ? नानी को तो तुम अपने साथ घर लेकर गए थे, मेरे साथ तो नहीं है। हाँ मैं उनको अपने साथ घर ले गया था, मगर फिर मैं अपने घर चला गया था शावर लेने के लिए। हाँ तो? और जब वापस गया तो वहाँ नहीं थी। क्या मतलब, कैसे नहीं थी वहाँ? मुझे नहीं मालूम नैना, अगर मुझे मालूम होता तुम्हें क्यों फोन करता मैं यार? वैसे कहाँ जा सकती हैं इस वक्त? मुझे क्या पता नैना कि वो कहाँ गई हैं, मैं तुम्हें कब से बता रहा हूँ कि वो घर पर नहीं है। जब वो अकेली घर से निकलती है तो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है नानी माँ की। यार आबिद खुद को संभालो, कुछ नहीं होगा उन्हें, और वैसे भी इतना दूर आखिर वो कैसे जा सकती हैं? यहीं कहीं होंगी, तुम नीचे जाके देखो। तुम ढूंढो उन्हें और मैं भी आ रही हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ नीचे और जाके उनको देखता हूँ, तुम भी आ जाओ। ओके बाय, मैं आ रहा हूँ नानी माँ। चलो आबिद। सिनान, मुझे तुमसे बात करनी है। सीमा ठीक है, अंदर आ जाओ। नहीं नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। अच्छा हुआ बाबा आप आ गए। चले अंदर चले, मैं आपको अपना नया खिलौना दिखाता हूँ। ठीक है चलो अंदर चले। उफ, यहाँ पार्किंग ढूंढना भी कितना अजाब बन जाता है। नैना हाँ, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? यहीं रहती हूँ मैं। डॉक्टर सोनिया ने डिनर पे बुलाया था और यही एड्रेस दिया था। हाँ, तुम सही पते पे आए हो, वो इसी बिल्डिंग में रहती है। लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या हुआ? दरअसल जब हम हॉस्पिटल गए थे तो आबिद के साथ मेरी नानी भी वहीं मौजूद थी, मुझसे मिलने के लिए आई थी। हाँ, याद है ना? वो गुम हो गई है कहीं। कहाँ गुम हो गई वो? नहीं पता, उन्हें अल्जाइमर भी है। नैना, नैना, मिली वो? मैंने हर जगह देख लिया मगर मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया। ओह मेरे खुदा, कहाँ जा सकती है वो? क्या करें अब? अच्छा तो मैं पीछे वाली गली में जाकर देखती हूँ आबिद। अच्छा मैं भी मार्केट में जाकर देखता हूँ। ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो ठीक है, जाकर ढूंढते हैं उन्हें। सुला दिया उसे। ज्यादा वक्त नहीं जाया करूंगा तुम्हारा। सच सच बताओ कि आखिर तुमने नैना से क्या क्या कहा। सच सच का मतलब सच सच। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, उसके अलावा और कुछ नहीं कहा मैंने उससे। क्या उसके बाद तुम्हारी उससे कोई बात नहीं हुई? नहीं तो। क्या कुछ भी ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? सच बताओ। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है सिनान, यकीन करो मेरा। उफ मेरे खुदा, कहाँ जा सकती हैं वो आखिर? ठीक है नैना तुम परेशान मत हो, मिल जाएंगी, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ नसरीन आंटी। नसरीन आंटी कहाँ चली गई थी आप? हमने हर जगह आपको ढूंढा। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। उस लड़की के साथ मिलकर तुम दो प्यार करने वालों को क्यों अलग कर रही हो? हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम इन्हें कैसे जानती हो सीमा? हमारी पड़ोसन है ये, सामने वाले घर में रहती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये आबिद की नानी है जो नैना के साथ उसके घर पर रहती है। आमना आंटी मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आमना नहीं हूँ मैं, मेरा नाम नसरीन है। कोई गलत फहमी हुई है तुम्हें। नैना और आबिद आपके नवासे हैं ना, कुछ याद आया? नैना आबिद कौन? आंटी वो आबिद और नैना, वो जो डॉक्टर है हॉस्पिटल में घुंघराले बालों वाली। क्या कह रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे। बात सुनो मेरी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है, चलते चलते थक चुकी हूँ मैं। ठीक है आप मेरे साथ अंदर चलें। हाँ। चले अंदर चलते यहाँ से चलिए। हाँ आज तो बहुत ही थक गई हूँ, माफी चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप भी बहुत परेशान हो गए। कोई बात नहीं नैना मैं समझ सकता हूँ, मैं भी इस वक्त से गुजर चुका हूँ। कई साल पहले मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो शादी से चंद दिन पहले ही छोड़ के चली गई मुझे। सुनकर बहुत दुख हुआ। बात सिर्फ ये नहीं, वो मुझे छोड़कर इसलिए गई थी ताकि वो उससे शादी कर सके जिसे मैं भाई समझता था। एक तरफ वो औरत जिसे मैं टूट कर चाहता था और दूसरी तरफ वो दोस्त जो मुझे भाई से बढ़कर था। उन दोनों ने ही मुझे धोखा दिया। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, मेरी वजह से आपको अपना माजी याद आ गया। जिंदगी चलती रहती है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ क्या तुम हार मान जाओगी? अच्छी बात है, चलो ढूंढते हैं उनको, चलो आ जाओ। नानी जान,